चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कोप्लेनरिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट थियरम्स हम लोगों ने देखे थे। कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट थियरम्स हम लोगों ने अब पढ़ रखे हैं, जिनका यूज़ हम एक्सरसाइज के अंदर जब एग्जांपल सॉल्व करने तब करेंगे। क्या बेसिकली हम लोगों ने देखा था, कोलिनियरिटी वेक्टर्स के बारे में, कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में जो प्रॉपर्टी थी थ्योरम के द्वारा वो हमें बताई गई थी। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दिए गए वेक्टर्स कोलिनियर है या नहीं, ये अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए अलजेब्रिक कंडीशन क्या है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। और कोप्लेनरिटी के बारे में भी हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी। अब उसके अंदर दो थियरम्स देखे थे और कुछ कोरोलरीज भी देखी थी। तो ये सब देख लेने के बाद अब आगे हमारा पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग देखेंगे कि स्पेस के अंदर पॉइंट का पोजीशन कैसे निकाला जाता है विथ रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्लेन के अंदर किया है। इससे पहले प्लेन के अंदर हम लोगों ने पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी स्पेस के अंदर करना है। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, जिसको कहा जाता है, स्पेस के अंदर हम लोग पोजीशन वेक्टर देखने वाले, लेकिन अभी प्लेन के अंदर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका पी, ठीक है, इस पॉइंट को पी बोलते हो। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड, ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट कहाँ पर है, प्लेन के अंदर है। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजिशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड हम लोग अगर देखेंगे तो ये ओपी क्या है, ओपी की डायरेक्शन। जब मैं ओपी लिखूंगा तो ओ इनिशियल पॉइंट है और पी टर्मिनल पॉइंट है, तो ओपी बार मेरे पास एक वेक्टर आया है, ठीक है। सो दिस इज अ पोजिशन वेक्टर, ओपी बार, यहां पर मैं लिखता हूं ओपी बार इज ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P इन प्लेन। प्लेन के अंदर अगर आपका कोई पॉइंट है तो OP बार उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझते हैं। OP बार इज अ वेक्टर, और हम लोग इसको कह रहे हैं कि दिस वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर। इस बात को समझते हैं। पोजीशन का मतलब क्या कि प्लेन के अंदर उस पॉइंट का पोजीशन कहां पर है, ये हम लोग बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मान लीजिए कि आपने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर लिया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के, इस एक्सिस को उठा के यहां पर रख दिया, तब इसका पोजिशन अलग आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर जब आप लोग लिखते हो तो वो रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखते हो। इसका मतलब क्या होता है, ओपी बार। अब ओपी बार के अंदर दो चीजें आ रही है, एक तो डायरेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पोजिशन वेक्टर में हम लोग हमेशा डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन दिखाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज उसका मैग्नीट्यूड। तो इन दो चीजों से आप इस पॉइंट का एग्जैक्ट पोजिशन बता सकते हो प्लेन के अंदर। कैसे, देखिए, अब ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपको इन्फाइनाइट पॉइंट्स दिख रहे हैं। इस डायरेक्शन में अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो उस लाइन पर इन्फाइनाइट पॉइंट रहेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ डायरेक्शन आपके पॉइंट पी का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकती। इस डायरेक्शन में इन्फाइनाइट पॉइंट है, उनमें से पी भी एक पॉइंट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतने मैग्नीट्यूड पर इस दिशा में एक ही पॉइंट है, दैट इज पी। तो अगर हम दो चीजें लेते हैं, एक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सेगमेंट एंड दूसरा डायरेक्शन, तो हमें मिल जाता है वेक्टर ओपी बार। और ये ओपी बार इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वजह से यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है इस पॉइंट पी को। पी का पोजीशन वो यूनिकली बता रहा है हमें। अगर मान लीजिए हम इन दोनों में से एक भी चीज चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन अगर थोड़ी भी बदल जाती है, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन हो जाती है, तो बात खत्म। तो इस डायरेक्शन में और इतनी मैग्नीट्यूड में आपको यही एक पॉइंट मिलेगा। इससे ये तय होता है कि आप जो पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो वो बिल्कुल सही है, सटीक है। मतलब प्लेन के अंदर हर एक पॉइंट को एक यूनिक पोजीशन वेक्टर मिलेगा, समझे बात को। तो वेक्टर की दुनिया में वेक्टर का यूज करके आप पॉइंट का पोजीशन लिख सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्पेस के अंदर भी हमें लिखना है, प्लेन के अंदर भी। अभी क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है प्लेन की, कि भैया दो लाइंस के द्वारा बनाई गई ये सिस्टम है जो
डिस्कार्टस ने बनाई थी, मैथमेटिशियन ने, इसलिए कार्टेशियन प्लेन हम बोलते हैं। तो हमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता है, इसलिए हम प्लेन के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर ये पॉइंट प्लेन में से बाहर चला आता है स्पेस में, यहाँ पर अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम स्पेस में लाते हैं, तो स्पेस में इसका पोजिशन कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो वो हमें इसके बाद में सीखना है अभी, ठीक है, जिसको थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। सो ओपी बार इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इन अ प्लेन। अब जैसे मान लीजिए अगर पॉइंट कोई पॉइंट यहाँ पर होता तो हम लोग क्या करते, इस पॉइंट को और ओरिजिन को जोड़ लेते और डायरेक्शन अवे फ्रॉम ओरिजिन दिखाते, और इसको मान लीजिए क्यू बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या है, ओ क्यू बार है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हम एक्स वन कॉमा वाई वन ले लेते हैं। अब एक और चीज आप लोगों को समझनी है, देखिए एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप से, किससे, आई कैप से, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं जे कैप से। तो यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी है कि यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय आई कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस इज गिवन बाय जे कैप। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है ना। अब थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीसरा भी एक्सिस आएगा जेड एक्सिस, तो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है उसको हम लोग डिनोट करेंगे के कैप से। अब ध्यान में रखना ये क्या है, देखिए आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो वेक्टर है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, ये भी यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, लेकिन आई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो किसके अलोंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस का जो भी एक्स एक्सिस का जो भी डायरेक्शन है उसके अलोंग ये यूनिट वेक्टर पकड़ के जा रहा है, समझिए ना, मैंने पहले बताया था ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो ट्रेन में लटक के ये आई कैप जा रहा है। अब क्योंकि ये बाहर से लटक रहा है तो ये पैसे नहीं देगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कुछ काम नहीं आएगा, उनको इसका रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर ट्रैवल करता है उसको आई कैप कहा जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर ट्रैवल करता है उसको जे कैप कहा जाता है। अब हमें इसका क्या फायदा होने वाला है, तो जब भी हम पोजिशन वेक्टर लिखते हैं किसी भी पॉइंट का, ध्यान में रखना पोजिशन वेक्टर हमेशा पॉइंट का होता है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम लोग पोजिशन वेक्टर लिखते हैं किसी भी पॉइंट का, तो वो लिखते समय हम उसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो हमें इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिखना है। अब कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं। देखिए हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है एक्स कॉमा वाई है, तो मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर डालूंगा तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ये डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा ये एक्स यूनिट इतना, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है y यूनिट इतना, ये तो आपको पता है। इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस। अब ये y बन गया और ये x बन गया, तो आपको क्या करना है, OP बार निकालना है इन टर्म्स ऑफ i कैप एंड j कैप। अब देखिए i कैप क्या है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सही है ना, i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो जे कैप इधर है, इसका पैरेलल ये है, तो इसका मतलब इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल आल्सो बी जे कैप, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपको ओपी बार निकालना है, तो इसका आपको डायरेक्शन में पता है ये वाला है, और क्योंकि जे कैप का डायरेक्शन ये है तो इसका भी डायरेक्शन ये रहेगा, मतलब ओपी बार इज इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट को एम बोलता हूं तो आप लोग क्या लिखेंगे, ओपी बार पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज नथिंग बट ओ एम बार प्लस एम पी बार, ठीक है। अब OM बार को कैसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको देखते हैं। तो OM बार जो है वो बेसिकली क्या है, अलोंग x एक्सिस है, ठीक है ना। तो OM का मैग्नीट्यूड कितना है, OM बार का मैग्नीट्यूड है x यूनिट इतना, और इसका डायरेक्शन आप क्या लिख सकते हो, i कैप, क्योंकि i कैप यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है,
तो जो भी इसका डायरेक्शन है वो आई कैप में तो होगा ही, तो आप ओ एम बार को लिख सकते हो एक्स आई कैप, एंड एम पी बार को लिख सकते हो क्योंकि एम पी का मैग्नीट्यूड वाई है और इसका डायरेक्शन जे कैप के द्वारा दिया जाएगा, तो वाई जे कैप लिख सकते हो। तो आपने ओ पी बार को लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। नाउ दिस इज अ पोजिशन वैक्टर, ओ पी बार इज अ पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, ओ पी बार इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो इससे हमें समझ में क्या आता है, इससे बहुत सिंपल चीज हमारे दिमाग में आती है कि भैया अगर कोई भी पॉइंट, अगर आपका कोई भी पॉइंट प्लेन में है और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास है तो आप सिंपली उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। कैसे, देखिए अगर मान ले कि ये जो आपका क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 5, -2 इस प्रकार से, तो आप OQ बार लिख सकते हो, OQ बार इज अ पोजिशन वेक्टर, तो आप OQ बार सिंपली लिख सकते हो x i कैप दैट इज 5 i कैप और प्लस -2 j कैप, दैट इज आपको मिल गया 5 i कैप -2 j कैप। समझे बात को, मतलब कोई भी पॉइंट अगर आपके पास प्लेन में है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है तो उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर लिखा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इससे फायदा कैसे होगा पता है आपको, कोई भी अगर प्लेन के अंदर वेक्टर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस प्लेन के अंदर कोई भी एक वेक्टर लिखा है, जैसे मैं ये वाला वेक्टर लिख देता हूँ ए बी बार, ए बी, ठीक है, अब ए बी बार वेक्टर है, अब इस वेक्टर को आपको इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर दैट इज इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए जब भी आपके पास कोई ऐसे प्लेन के अंदर वेक्टर दिया हुआ रहता है तो आप लोग क्या करते हो, उसको इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखने की कोशिश करते हो। कैसे लिखेंगे आप, तो ये जो भी वेक्टर है ए बी बार को आपको लिखना है, आपको ए बी बार को इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, तो इसका इनिशियल पॉइंट है जो है उसको ओ से ज्वाइन कीजिए, फिर जो टर्मिनल पॉइंट है उसको भी ओ से ज्वाइन कीजिए, किया। अब एक ए इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है ओ ए बार और बी का पोजिशन वेक्टर है ओ बी बार, अगर आप इनकी डायरेक्शन देखेंगे बेटा तो दिस ये एक ही ऑर्डर में जा रहा है और ये अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, तो आपको OA बार प्लस AB बार इज इक्वल टू आप लिखेंगे OB बार, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है AB बार, तो AB OA बार को उधर ले जाइए, तो AB बार अगर उधर ले जाता हूँ तो मुझे AB बार OA बार को उधर ले जाता हूँ तो AB बार क्या मिलेगा, OB बार माइनस OA बार। अब OB बार तो हमें पता होता है, OB बार क्या होता है, B का कोएफिशिएंट हमारे पास है, मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके x2 y2 है, ठीक है, अभी ये सीन में नहीं है, ठीक है ना, ये कोई भी सीन में नहीं है, सिर्फ ये डायग्राम हम देख रहे हैं। अब ए बी बार अगर मुझे निकालना है और ए और बी के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है तो ए का पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूँ x1 i कैप + y1 j कैप और इसका भी पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, तो ए बी बार अगर मुझे लिखना है तो मैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा, ओ बी बार माइनस ओ ए बार, और ओ बी बार कैसे लिखा जाएगा, x2 i कैप + y2 j कैप। ये तो समझते हो ना, ये तो अभी सिंपल बात है ना, ओ बी बार मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू है, तो मैंने लिखा ओ बी बार को x2 i कैप + y2 j कैप माइनस ओ ए बार के पोजिशन वेक्टर, ओ ए बार का इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखूंगा मैं, ओ ए बार का पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये क्या आएगा x1 i कैप + y1 j कैप। अब अगर मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ तो ये दोनों भी नेगेटिव बन जाएंगे, तो i1 कैप कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या x2 - x1 i कैप + y2 - y1 j कैप। तो बेटा ये आ गया आपका ए बी बार, समझे बात को। तो जब भी आपको किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप दिया हुआ हो किसी भी प्लेन में और उसको अगर आपको इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए पी क्यू बार को लिखना है तो सिंपली ओ क्यू बार माइनस ओ पी बार लिखना है, मतलब ये इसका पोजिशन वेक्टर माइनस इसका पोजिशन वेक्टर लिखना है। कोई भी जैसे सी डी बार वेक्टर है, इसको आपको इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले इसका पोजिशन वेक्टर आप लेंगे दैट इज ओ डी बार और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका पोजिशन वेक्टर दैट इज ओ सी बार, समझे। जैसे टी क्यू बार, इसको आपको इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेकंड वाला जो पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर दैट इज ओ क्यू बार और इसका माइनस ओ टी बार। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या देखा अभी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि जो हमारा टू डायमेंशनल प्लेन है, प्लेन तो हमेशा टू डायमेंशनल होता है, जो हमारा प्लेन है तो इस प्लेन के अंदर अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ रहता है तो इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर का मतलब क्या होता है ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर। और एक बार वो देखने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर प्लेन में कोई भी वेक्टर दिया है तो उसको आप इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ये देखा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आई कैप और जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहा हूँ क्योंकि अगर निगेटिव डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो फिर वो माइनस आई कैप बन जाएगा और माइनस जे कैप बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे, इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा है समझ में आ गया आपको। अब हम लोग थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे अगले वीडियो के अंदर।